2022 के शुरुआती समय में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में अब ये तय हो गया है कि विकासशील इंसान पार्टी को भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं देने वाली। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठजोड़ निषाद पार्टी से कर लिया है। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में दमखम दिखाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी ने 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कह दी है। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश के 170 जो सीटें हैं उसमें मछुआरा और निषाद का एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ने के मोड में आ गई तो बात की जाए तो कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी भरपूर कोशिश में हैं कि उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हो जाए, जिस तर्ज में बिहार में गठबंधन है। ऐसे में अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद संजय निषाद ने कहा है कि आगामी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको लेकर जो रणनीति है इस पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही सीटों का जो समीकरण है उस पर भी बात बन गई है। गौरतलब हो कि मुकेश सहनी जब उत्तर प्रदेश में दमखम दिखाने की तैयारी में जुटे हैं, वहीं अब जब निषाद से गठजोड़ हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, तो कहा जा रहा है कि जिस वोट बैंक पर मुकेश सहनी दावा ठोक रहे थे उस वोट बैंक पर कहीं ना कहीं जो निषाद पार्टी है उसका भी मजबूत पकड़ है। ऐसे में अब साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं उसमें विकासशील इंसान पार्टी को कोई भी भाव नहीं देने वाली। जिस तरीके का समीकरण उत्तर प्रदेश में है वो साफ तौर पर बता रहा है कि आने वाले समय में बड़ा ही रोचक उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो विकासशील इंसान पार्टी पर कहा जा रहा है कि जो खबर निकल कर आई और जिस तरीके का व्यवहार पूर्व सांसद फूलन देवी के जयंती पर मुकेश सहनी के साथ किया गया, विकासशील इंसान पार्टी के साथ किया गया, उसके बाद एक हाई वोल्टेज जो ड्रामा था वो बिहार के सियासत में भी देखने को मिला, और जिस तरीके का पूरा प्रकरण रहा था उस दौरान कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी से नाराज चल रही है। ऐसे में अब जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई वो ये कि उत्तर प्रदेश से जो NDA गठजोड़ की बात विकासशील इंसान पार्टी की हो रही थी उससे विकासशील इंसान पार्टी आउट हो गई है, और जो निषाद पार्टी है उसका गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है। जिस वोट बैंक पर मुकेश सहनी अपनी मजबूती दिखा रहे थे उसमें कहा जा रहा है कि अब निषाद पार्टी का जो मजबूत पकड़ एक मल्लाह और मछुआरे जाति पर है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी दिलचस्प होंगे, क्योंकि 170 ऐसे सीट हैं उत्तर प्रदेश में जिस पे मछुआरा जाति के लोग और जो निषाद समाज के लोग हैं उनका अहम रोल होता है, और मुकेश सहनी के 165 उम्मीदवार 170 सीटों में से उतारे जाएंगे जहां निर्णायक रोल में मछुआरा और जो निषाद जाति के लोग हैं वो आगे रहेंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।